कल कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच काउंटिंग होगी। एमएलबी के 12 कमरों में जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम की गिनती होगी। मतगणना में 750 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी रहेंगे और 250 लोग रिजर्व में रखे गए हैं। मतगणना स्थल और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात रहेगा। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके साथ ही ईवीएम के मतों की गणना भी शुरू हो जाएगी। कलेक्टर के मुताबिक ग्वालियर लोकसभा की मतगणना का पहला रुझान सुबह 9 बजे तक सामने आएगा। अपने अपने विधानसभा रैंडमाइजेशन के माध्यम से मिल चुके हैं, इनको अपने अलॉट हो चुके हैं। इसके बाद ही आज इनकी एक लास्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग हम लोग आज ही ऑर्गेनाइज़ करेंगे। कर्मचारियों की संख्या यदि आप देखें तो सब मिलाकर के लगभग 750 लोग काउंटिंग की पूरी प्रोसेस में लगेंगे और वहीं सुरक्षाकर्मी की ये जो संख्या है वो 1000 है। ग्वालियर में भी लोकसभा चुनाव में मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में ये स्ट्रॉन्ग रूम जहां से ईवीएम लाई जाएगी और ईवीएम यहां से लाकर सीधे इन कक्षों में पहुंचेगी जहां ग्वालियर ज़िले की 6 विधानसभा सीटों के 12 कमरे बनाए गए हैं, यहां मतगणना होगी और इस मतगणना को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में पहुँच चुकी है। इस हॉल में आप देख सकते हैं, ये एक विधानसभा क्षेत्र के लिए इस हॉल के साथ ही लगा दूसरा हॉल, दो दो हॉल है। तो कुल मिलाकर ग्वालियर ज़िले की 6 विधानसभा क्षेत्रों की जो गिनती होगी उस गिनती के लिए यहाँ कुल 12 कक्ष हैं। इन 12 कक्षों में आप देख सकते हैं कि किसी कक्ष में 10 से लेकर 12-14 तक टेबलें लगाई गई हैं और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इस एरिए के बाहर जो काउंटिंग एजेंट्स रहेंगे विभिन्न पार्टियों के वो मौजूद रहेंगे और सारे अधिकारी और कर्मचारियों की टीम यहाँ पूरी तरह तैनात है और मतगणना को लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। यहाँ ईवीएम खोली जाएगी और उसके बाद ईवीएम की गणना होगी। तो कुल मिलाकर इस मतगणना को लेकर प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए, 1000 से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ तैनात रहेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो लगभग 800 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी ग्वालियर के इस स्ट्रॉन्ग रूम मतगणना स्थल रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में तैनात रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो मतगणना है उसकी तैयारियां पूरी है और उसके साथ जब नतीजे आएंगे तो ये तय करेंगे कि आखिरकार ग्वालियर में लोकसभा सीट के जीत का सेहरा किसके सर बनता है। सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। कुछ ही घंटों में लोकसभा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। 4 जून यानी कल प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा खुलेगा। छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव में मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। 11 लोकसभा सीटों के लिए 220 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। पहले 41,877 डाक मतपत्रों की गिनती होगी। डाक मतपत्रों की गिनती के बाद सुबह करीब 8:30 बजे ईवीएम खुलेंगी। इस दौरान पुलिस के 12,000 से ज्यादा जवान मतगणना स्थल पर तैनात होंगे। मतगणना की पूरी तैयारी है। हर विधानसभा की 14 टेबल्स लगाई जाएंगी और जो आपका पोस्टल बैलेट का है उसकी 10 टेबल्स लगाई जाएंगी। शुरुआत में 8 बजे से 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। बलौदा बाज़ार में जो हमारी वे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें ईवीएम की गिनती 8 बजे शुरू हो जाएगी, यहाँ 8:30 बजे शुरू होगी। 23 राउंड अधिकतम जो राउंड जाएंगे वो 23 राउंड जाएंगे। हमारी पूरी तैयारी है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस मतगणना संबंधी प्रशिक्षण दे दिया गया है। पूरी मतगणना स्थल की तैयारी भी करेंगे और पूरा उसका रिहर्सल करके 4 तारीख को, यानी 4 जून को पूरे जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा और ईवीएम खुलेगा और किसके सर पर सेहरा बंधेगा ये तय होगा। अब आप देख सकते हैं मतगणना स्थल है, यहाँ पर पूरी तैयारी है वो कर ली गई है और सबसे खास बात यह है कि रायपुर में 23 राउंड का मतगणना होगा लोकसभा चुनाव को लेकर के, और बलौदा बाज़ार में जो दो जो विधानसभा जो क्षेत्र आते हैं उसमें जो 8 बजे है काउंटिंग होगा और रायपुर जो मतगणना स्थल है वहाँ पर 8:30 बजे है मतगणना का कार्य है वो किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती होगी। अगर हम पूरे प्रदेश के पोस्टल बैलेट की बात करें तो लगभग 41,000 पोस्टल बैलेट हैं वो प्राप्त हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अब पूरी नज़र है, CCTV जो कैमरे हैं वो भी लगाए गए हैं। तो सबसे पहले सबसे तेज कल आप देख पाएंगे नतीजे लोकसभा चुनाव